दोस्तों के साथ आपने कुछ ज्यादा ही पी लिया है और अब आप बिल्कुल ही बेकाबू हो। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गुनगुनाते आप अपने कार की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी आपको कोने में एक लेडी दिखती है जिसके पास आप टिमटिमाकर जा रहे होते हैं, बिल्कुल इस बात से बेखबर कि आप एक जाल में फंस रहे हो। उस लड़की ने मास्क पहना था और वो एक सवाल पूछती है। आपने अच्छे से सुना नहीं तो वो वापस दोहराई, जिस पर आप हाँ कर देते हो और आप मास्क उतारने को कहते हो। आज की कहानी SCP-6979 पर बेस्ड है। एक लड़की टोक्यो शहर में अपने काम से जा रही थी कि तभी अचानक सब लोग गायब होने लगे और सब कुछ लाल हो गया। डरते हुए वो लड़की एक मिठाई के दुकान में गई जहां सब मिठाई तक लाल थे। वो लड़की काउंटर के पास खड़े होकर सोचने लगी कि वो करे तो करे क्या, कि तभी स्वीट शॉप का डोर ओपन हुआ और एक औरत अंदर आई। उस औरत के बाल घने लंबे थे, बहुत ज्यादा लंबे, और बड़े शार्प नाखून जिनमें खून लगे हुए थे। एक मास्क से उसका मुंह ढका हुआ तो था पर फिर भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा था। उस औरत ने जैसे ही अपना मास्क उतारा उसका फेस देख लड़की गिर पड़ी। वो भयानक स्माइल, वो उस लड़की की तरफ बढ़ी और पूछा, क्या मैं खूबसूरत हूँ? जिस पर उस लड़की ने सर ना की तरफ हिलाकर कहा कि नहीं, तुम सुंदर नहीं हो। ये सुनकर वो औरत बहुत गुस्सा हुई और जोरों से चिल्लाने लगी। उसकी चीख इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उस लड़की के कान से खून बहने लगा और उससे पहले वो कुछ सोच पाती तेज धार नाखूनों से उसका गला काट दिया गया। उसका सर ग्राउंड में घूम रहा था कि तभी उसे वापस होश आ गया और वो बच गई। पर ये हुआ क्या? दरअसल SCP-6979 मशहूर थी मारने या डराने के लिए, पर जल्द ये सब बंद हो गया जब उस भूत का SCP फाउंडेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ। ये औरत जिस जगह से आती है उसका नाम है मामो नोकाय, और इस जगह पर पहले बहुत भूत प्रेत भटकते थे, पर एक घोस्ट हंटर ऑर्गेनाइजेशन IJAMEA ने इस दुनिया में जाकर सारे भूतों को कैद कर लिया और तब से ही SCP-6979 अपने साथियों की तलाश में घूमती रहती है। वैसे क्या आपको पता है कि टेस्ट मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं एंड फीफा वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो गया है 20 नवंबर से, तो क्या आपको पता है OneXBet लाया है हमारे पास ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज पैसे कमाने के लिए। OneXBet में आप लाइव मैचेस के रिजल्ट्स देखकर ये बेट लगा सकते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हाईएस्ट स्कोर करेगा और कितने रन्स होंगे। अगर आपके पास क्रिकेट की नॉलेज है तो आपके पास तो पैसा ही पैसा होगा। और भी बहुत से अलग अलग गेम्स है OneXBet पर खेलने के लिए। आप मेरा प्रोमो कोड यूज करें और पाए 26,000 रुपीस तक का बोनस अपने पहले डिपॉजिट पर। OneXBet का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है, तो अभी जाइए और बेट लगाइए और देखिए क्या मिलता है आपको। एक दिन एक डी क्लास पर्सनल को SCP-6979 के इलाके में भेजा गया ताकि वो उससे बात करे, और जैसे ही वो उसके सामने आई वो डर गया। पर उसके गायब होते देख डी क्लास पर्सनल ने तुरंत उसका हाथ छू लिया और छूते ही वो भी चला गया SCP-6979 की दुनिया में। होश आते ही डी क्लास पर्सनल ने सीधे एक बड़े राक्षस को आते हुए देखा जो कि और कोई नहीं बल्कि खुद SCP-6979 ही थी, पर अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो कि काफी ज्यादा भयंकर है। अपने ओरिजिनल फॉर्म में उसका मुंह ऊपर से नीचे तक रहता है और दोनों आंखें जॉइंट, एक लाल छाता जिसमें ढेर सारे होल्स थे। डी क्लास पर्सनल माफी की भीख मांगने लगा पर बड़ी मुंह वाली ने उसे कहा, निकल जा यहाँ से। तो डी क्लास ने पूछा, अच्छा ठीक है, पर एग्जिट कहाँ है? यहाँ एक ही एग्जिट है, मौत।
ओ अच्छा रहने देते हैं फिर। ये सुनकर बड़ी मुंह वाली ने अपना नाखून नीचे किया और बोली, क्यों आए हो, किसने तुम्हें भेजा? जिसके जवाब में डी क्लास ने बोला, मेरे गवर्नमेंट ने मुझे भेजा ताकि तुम लोगों को मारना बंद करो। तो चार लोगों को क्या मार दिया? क्या मैं तुम्हें मास्टर लगती हूँ? बोलो। हाँ, क्योंकि वो लोग बेकसूर थे। तुम तो शायद जानते भी नहीं हो कि तुम्हारे लोगों ने कितना डैमेज किया है। तुम लोग हमारे दर्द को कभी समझ नहीं पाओगे। शायद तुम नहीं जानते, शायद तुम कुछ नहीं जानते। आओ मेरे साथ। वो डी क्लास उसे फॉलो करने लगा। मैं बहुत सालों से तड़प रही हूँ और बस यही सोच रही हूँ कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ। हम सब इंसान ही थे, पर हमें ब्रिटिश आर्मी ने पकड़ लिया और मार डाला। और फिर जब हम शांति से भूत बनकर जीने लगे, यहाँ वहाँ बिना किसी को नुकसान पहुँचाए भटकने लगे अपनी दुनिया में, तो IGAMEA ने हमें खत्म किया। हमारा दुख कोई नहीं समझ सकता। बड़ी मुंह वाली ने ये भी बताया कि उन्होंने हर भूतों को बुलाया ताकि वो IJAMEA फाउंडेशन को खत्म कर पाए, पर वो खुद हार गए। ये सब सुनकर डी क्लास को बुरा लगा और उसने बोला कि वो जाके सबको बताएगा कि उनके साथ हुआ क्या था। डी क्लास ने रिक्वेस्ट किया कि उसे हमारी दुनिया में वापस भेज दे, पर उसे भेजने का बस एक ही जरिया था, मौत। How about now? तो बड़ी मुंह वाली ने कहा कि वो ऐसे मारेगी जिससे उसे ज्यादा पेन ना हो, एंड फिर उसने अपने नाखून से उसके सर को दो टुकड़ों में बांट दिया और इसके बाद डी क्लास पर्सनल को होश आ गया, जिसके बाद उसने अपना सारा एक्सपीरियंस SCP फाउंडेशन को बताया, जिन्होंने फिर सारे भूतों को रिलीज कर दिया जो वापस चले गए उनके दुनिया में, एंड उसके बाद से SCP-6979 कभी वापस नहीं लौटी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया है तो आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, एंड अगर आपको चूचू चास का गेम प्ले वीडियो देखना है तो आप हमारे नए चैनल रूप द नूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चूचू चास को पकड़ सके। अच्छा, तो ये बात चूचू चास की हो रही है। युगीन तो अच्छा दोस्त नहीं है, इतना तो मेरे को पता चल गया है। तो यहाँ पर होता है हमारा गेम स्टार्ट। ओ, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ।